है जिसका गैस एजेंसी ऑफिस में लगे ये घटना का सीसीटीवी कैमरा भी उस वक्त ऑन था जहां पर ये कैद हुई हैं तस्वीरें। देवरिया में इकोना थाना क्षेत्र के पचलड़ी चौराहे पर रिद्धि एचपी गैस एजेंसी, जिसमें मैनेजर का आरोप कि गैस एजेंसी पर इकोना थाना अध्यक्ष प्रदीप शर्मा अपने हमराहियों के साथ पहुंचे, उन्होंने हमसे फ्री में गैस और 5,000 रुपए रिश्वत मांगी, जब नहीं दिया तो एसओ ने साहब ने जमकर उनको पीटा। घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। ये देखिए यूपी की खाकी का चेहरा आप देख रहे हैं। रिश्वत मांगी गई, फ्री में गैस सिलेंडर साहब को चाहिए, गरीबी रेखा से आते हो क्या? तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। संवाददाता मनीष इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष, दारोगा साहब 5,000 रुपए और फ्री में गैस सिलेंडर लेने वहां पर पहुंचे, क्या कोई योजना बट रही थी? और आखिर अगर ऐसा इनके साथ नहीं हुआ, इनको नहीं फ्री में दिया गया, तो ये थप्पड़ लगाएंगे, मारपीट करेंगे किसी भी कर्मचारी के साथ? जी लक्ष्मी, आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा कि रिद्धि एचपी गैस एक एजेंसी है जो रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के एकौना पचलड़ी में पड़ता है। ये जो एकौना के थाना अध्यक्ष है प्रदीप शर्मा जी बताया जा रहा है, इनका ये इनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि रुद्र प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो उस गैस एजेंसी में काम करता है, उसका आरोप यह है कि दारोगा जी मेरे यहाँ जो है एक गैस सिलेंडर और 5,000 रुपए मांगने के लिए आए थे। लेकिन जब हमने दारोगा जी से इसमें बात किया तो उनका कहना, खास तौर से कहना ये था कि हमने पैसे की कोई बात नहीं हमने पैसे नहीं मांगे हैं, मैं वहां पे गया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी किस्म का व्यक्ति था, मैं इससे पूछताछ करने के लिए गया था, उस आधार पे इन्होंने जो है वहां पर इस तरह का मेरे ऊपर आरोप लगाया। आपको बताना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर का दिन यहाँ शराब की गुल्ली होती है। इस तरह का दरोगा का ये कहना था कि मतलब कैमरे पर नहीं बोल रहे थे, आमतौर पर उनका ये कहना था कि मैं उससे पूछताछ ये करने गया तो ये पता चला कि 2 अक्टूबर के दिन शराबबंदी थी और शराब बेच रहा था। बहुत शुक्रिया मनीष कुमार इस पूरी बातचीत के लिए। और गाजियाबाद में इंदिरापुरम के वसु